की हाल चाल थोड़े सारा था एक काफी तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। तो गाइस डेट है 24 अगस्त 2024 और आज है मेरा थाईलैंड में 8th डे और अभी मैं फुकेट टाउन में हूँ। तो कल मैंने आपको दिखाया था ओल्ड फुकेट टाउन, ठीक है, कलीवा मार्केट और कराबी बीच, ये सब दिखाया था। तो आज है जो मेरा 8th डे है, तो आज मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, रिलैक्स करने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। और अभी सुबह सुबह मैं आऊँ स्कूटी रिटर्न करने, कल मैंने 350 बात में स्कूटी रेंट करी थी एक दुकान से और घूम के आया था। अभी आपको यहाँ का ना लाइफस्टाइल दिखाने वाला हूँ, फिलहाल स्कूटी रिटर्न कर देते हैं फिर चलेंगे 7-Eleven ताकि आपको पता लग सके कि कैसा यहाँ का लाइफस्टाइल है, कितना खर्चा आपका एक दिन में मिनिमम हो जाएगा अगर आप भी आने का सोच रहे हैं थाईलैंड में। तो वो सामने वाली जो स्कूटी है ना, ये वाली मैंने ली थी और अभी रिटर्न कर दी है। तो रिटर्न करने पर आपको अपने पैसे देने और आपको पासपोर्ट वगैरह मिल जाएगा। बाकी इनसे रेंट करने का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। कल शाम को मैंने 5 बजे रेंट की थी और आज शाम तो 5 बजे तक का टाइम था जिसका मुझे लगे 350 बात तो सही है। अगर मुझे और कहीं जाना होता तो मैं चला जाता, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास है जो IDP नहीं है तो मैं नहीं जा सकता लेके बाइक को इधर उधर। अदरवाइज़ मैं ज़रूर इसको लेके ना इधर उधर बहुत सारी काफ़ी चीज़ें देखा था। तो नेक्स्ट टाइम अगर आऊँगा तो मैं भी अपना जो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है वो ज़रूर बनवा के लेके आऊँगा। आपको भी रिकमेंड करूँगा आप ज़रूर लेके आए, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है जो यहाँ पे हो जाएगा। फाइनली मैंने जो बाइक वगैरह है वो वापस कर दी है। अभी है ना जो मेरे थाई बात है वो भी ख़त्म हो चुके हैं। घर से मैं लगभग 10,000 थाई बात लाया था और आज है मेरा 8th डे, तो 7 दिन में मेरे 10,000 थाई बात है पूरे खर्च हो चुके हैं। अभी मेरे पास USD है तो मैं $300 है जो चेंज कराने वाला हूँ थाई बात से, वो भी आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे कराता हूँ। तो देखो यहाँ पे ना जगह जगह ऐसे एक्सचेंज वाली दुकानें बनी हुई हैं, तो अभी मेरे पास $300 है तो उनको एक्सचेंज कराना है, देखते हैं कितने थाई बात है ये हमको जो देंगे। वो वाली जो दुकान थी एक्सचेंज वाली वो तो बंद थी, तो अभी जा रहा हूँ मैं दूसरे एक्सचेंज पे। तो आप देखो यार वैसे ना दोपहर के 2 बज रहे और सुबह से मैंने नाश्ता वगैरह नहीं किया, तो मैं सोच रहा हूँ कि सुबह से नाश्ता कर लेता हूँ। और दो ऑप्शन रहती है, या तो आप लोकल थाई फूड खा लो या KFC खा लो। तो मैं KFC खाने ही जा रहा हूँ क्योंकि जो KFC का प्राइस है वो ऑलमोस्ट यहाँ की दुकानों से सेम है और KFC में मेरा पेट भी भर जाता और अच्छा टेस्ट भी मिल जाता, ज़्यादा ऑकवर्ड भी लगता। तो अभी फिलहाल तो KFC का चिकन खाऊंगा, उसके बाद ना यहाँ पे जो 7-Eleven है, 7-Eleven से आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मिल जाती हैं जो आप खा सकते हैं, जैसे कि सैंडविच होते हैं, कोका होता है, वो सब हम बाद में ट्राई करेंगे, जिसमें मैं आपको यहाँ का लाइफस्टाइल भी दिखाने वाला हूँ कि आपको कैसा रहेगा। तो अगर हम बात करें कि आपका जो डे में मिनिमम जो यहाँ पे लोग रहते भी हैं उनका कितना खर्चा होता है, या अगर आप भी घूमने आ रहे हैं तो आपका कितना खर्चा होगा वो आपको बताता हूँ। तो देखो यार जैसे आप यहाँ पे रूम ले रहे हो, तो अगर आपने अपना प्राइवेट रूम लिया है तो मिनिमम 600 baht है जो मिनिमम प्राइस है जो आपको एक दिन का देना पड़ेगा। तो रहने का एक दिन का खर्चा आपका 600 baht हो गया, और अगर आप रहते हो डॉम वगैरह में तो 300 baht आपको देने पड़ेंगे, बट प्राइवेट रूम ज़्यादा बेटर है। तो 600 baht में आपका एक दिन का प्राइवेट रूम हो गया। और उसके बाद अगर हम खाने की बात करें तो दिन की आपकी जो पहली मील रहेगी ब्रेकफास्ट वगैरह वो लगभग 150 से 200 baht में मिनिमम बनेगी, तो मतलब 150 to 200 baht का आपका एक टाइम का खाना है जो रहेगा ब्रेकफास्ट का। लंच में अप्रॉक्सीमेट सेम प्राइस आप कह सकते हैं 200 baht, और डिनर में भी लगभग 200 baht। तो दिन में 600 baht का खाना है जो आपको खाना पड़ेगा, जो मिनिमम आपका लग जाएगा। उसके बाद ट्रैवल के लिए यहाँ पे अगर आपके पास स्कूटी है तो आप 350 से 500 बात के बीच में जो रेंट कर सकते हैं, जिसमें आपकी 50 से 100 रुपये की गैसोलीन लग जाएगी। तो ट्रैवल का अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो मैं कंसीडर करता हूँ कि लगभग 400 rupees पर डे कंसीडर कर लेते हैं ट्रैवल करने के लिए। और अगर आपके पास IDP नहीं है, आप टैक्सी वगैरह से जाते हैं, तो आपको बोल्ट ऐप के थ्रू टैक्सी बुक करके जाना पड़ेगा। वो आप मिनिमम मतलब दिन का आपका 1000 रुपये हो जाएगा इधर उधर आने जाने का अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, क्योंकि जो टैक्सी वगैरह है वो हर जगह महंगी ही रहती है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपका शेड्यूल रहने वाला है। तो आप कंसीडर कर सकते हैं 600 रहने का, ठीक है, 600 खाने का, और अगर आप लेते हैं रेंट पे स्कूटी वगैरह 400, वो तो अप्रॉक्सीमेट 1600 to 1700 पर डे का आपका मिनिमम बजट है वो रहने ही वाला है अगर आप यहाँ पे रहते हैं। मैं भी अभी जा रहा हूँ KFC में, मेरी मील जो रहने वाली है लंच की वो रहने वाली है 200 baht की, वो भी आपको दिखाता हूँ। फिलहाल यहाँ पे एक मॉल है काफ़ी बड़ा जंगलियन करके, उस मॉल में जाता हूँ मैं खाने के लिए, फिलहाल वहीं जा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे ऐसे टुक टुक भी चलते हैं, बट ये टुक टुक ना टैक्सी से भी ज़्यादा महंगे रहते हैं। अगर आपको शेयरिंग में मिल रहा है तो सही है, बट अदरवाइज इसको प्रेफर ना करें। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि स्कूटी वगैरह ही रेंट ले ले 350 baht में और घूमते रहे इधर उधर, ताकि आपको ज़्यादा वॉक भी नहीं करना पड़ेगा। ये मॉल है यहाँ पे जंगलियन करके, जहाँ पे सारे आउटलेट्स हैं खाने पीने के, तो इसी आउटलेट में मैं भी जा रहा हूँ। लगभग 7 दिन में 10,000 थाई बात है जो खर्च हो चुके हैं। 11,000 में लाया था, 10,000 कैसे खर्च हुए, क्योंकि मैं गया था को सुमाई आईलैंड, ठीक है, को फंगान में पार्टी करने के लिए। तो यहाँ से वहाँ तक जाने का एक साइड का जो खर्चा है वो 1000 baht था, आने का खर्चा 1000 baht हो गया, 1000 baht वहाँ पे पार्टी वाले दिन एक दिन रहने का हो गया। और उसके बाद को सुमाई आईलैंड पे रहा था, वहाँ पे भी आप अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं कि 200 रुपये रहने का, ठीक है, 300 रुपये टैक्सी से होटल तक जाने का,
और 500 रुपये लगभग खाने का खर्च हो गया। तो 3 से 4 हज़ार बाद तो मेरा वहीं पे खर्च हो गया था। बाकी यहाँ पे फुकेट वगैरह फिर भी ठीक है, इतना कॉस्टली नहीं है, काम चल जाता है यहाँ पे। मतलब आपको इतने ज़्यादा नहीं खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि चीज़ें वॉकिंग डिस्टेंस पे तो आप कर सकते हैं। नाइट लाइफ के लिए यहाँ पे जो आपको मतलब दारू वगैरह बियर वगैरह है ना, क्लब फ्री रहते हैं, एंट्री फ्री रहती है, बट जो दारू वगैरह क्लब वगैरह उसके लिए आपको थोड़ा हल्का फुल्का ही पे करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं, मतलब 300 से 400 बात में आपका काम है जो हो जाता है। और देखो यहाँ से अभी एंटर कर रहा हूँ तो मॉल के बीच में से ही शॉर्टकट है जिससे मैं जा सकता हूँ। यहाँ पे शॉर्टकट लेके आप जाएंगे तो यहाँ पे मुझे अभी एक्सचेंज काउंटर भी देखना है जहाँ पे मेरा कैश वगैरह थोड़ा सा एक्सचेंज हो सके। तो यहाँ पे अगर आपको मॉल वगैरह में शॉपिंग करनी है ना तो मॉल में भी यार देखो इंडिया के हिसाब से तो महंगा पड़ता है, बट कि यहाँ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ठीक प्राइस है जो आपको मिल जाते हैं, बट जो कपड़ों की क्वालिटी है वो अच्छी ही है। तो वैसे इंडिया में भी सेम ही मिलता है ब्रांड कपड़ों में, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है कि इनकी क्वालिटी कुछ ज़्यादा अच्छी हो हमारी कम हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर आप इंडिया के हिसाब से लेंगे तो यहाँ पे आपको महंगा मिलेगा। देखो एक करेंसी एक्सचेंज यहाँ पे भी है तो इनसे पूछ के देखते हैं कि हमको $300 का कितने थाई बात है जो देने वाले हैं। देखो पहले एस्टिमेट मुझे मिल गया, ठीक है। पासपोर्ट आपका होना मैंडेटरी एक्सचेंज कराने के लिए और ऐसे कैश दे दिया, अभी मुझे चेंज करके दे देंगे। लगभग मुझे $300 के यहाँ पे मिलने वाले हैं, 10,101 थाई बात। यहाँ पे देखो इनके जो ये कपड़े वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पे जो मोस्टली ऑफर चलता रहता है ना, बाय वन गेट वन का फ्री ऑफर काफ़ी चलता है, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं ये, ठीक है। अगर आप यहाँ से लेना चाहिए ले सकते हैं, 2290 का है, मतलब 2290 में आपको 2 मिल जाएंगे, मतलब 1000 थाई बात की लगभग एक टी शर्ट है जो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो हमारे इंडिया के हिसाब से तो आप कह सकते हैं कि लगभग 2500 रुपये की एक टी शर्ट है जो आपको पड़ जाएगी। बाकी ये वाली ठीक है, बाई टू गेट वन, बाय वन गेट टू है, मतलब एक खरीदो और दो फ्री है, तो 990 की एक है तो आपको कह सकते हैं कि 990 में आपको 3 मिल जाएंगी, मतलब लगभग 300 बात की एक टी शर्ट पड़ जाएगी। तो ये फिर भी सही है, मतलब खरीद सकते हो। ब्लैक वाली मुझे काफ़ी प्यारी लगी और ये डिज्नी ठीक है, और डिज्नी लैंड वाली हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन है, बट मेरे पहनने लायक इतने नहीं है और इससे अच्छी क्वालिटी हमको इंडिया में इससे सस्ते प्राइजेज में वगैरह जो मिल जाती है। तो गाइस यहाँ पे ठीक है, यहाँ मॉल के अंदर ही एक्सचेंज करा लिया मैंने $300 को, लगभग मुझे 10,100 रुपये मिले, तो अच्छा एक्सचेंज रेट मिल गया। अगर कहीं ज़्यादा मिलता भी तो 34 के हिसाब से इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, तो सही है। अभी मेरे पास दोबारा से 10,000 हो गए हैं, देखते हैं कि अगले 7 दिन में हम इन 10,000 पे गुजारा कर पाते हैं या नहीं कर पाते। और दोबारा यहाँ देखोगे, देखो यार मॉल वॉल्स का तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा लाइफस्टाइल, क्योंकि मॉल वॉल में तो पता ही है सब लोग हमेशा महंगा ही होता है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। अगर आपके पास फॉरेक्स कार्ड है ना तो आप फॉरेक्स कार्ड से यहाँ ATM से अलग अलग पैसे है जो निकलवा सकते हो। तो यहाँ पे देखो यार ये मीठा कितना बढ़िया है, मेरे तो फेवरेट है जो ऐसा ये मीठा है ना, ये वाला बहुत तगड़ी डिश है, पता नहीं क्या चीज़ है, बट अभी फ़ोटो खींच लिए, बाद में आके ट्राई करूँगा C1 से, ठीक है, सैमसंग से। तो यहाँ पे बना होगा लगभग, देखना पड़ेगा कितने बात का है, ये आइसक्रीम स्मूदीज हैं। तो अभी फ़िलहाल तो KFC जाते हैं और बाद में आके देखेंगे कि यहाँ पे कैसा क्या मिलता है। वैसे प्राइजेज भी सही है यार, 150 बात की है, मतलब यहाँ के हिसाब से सही है, इंडिया के हिसाब से महंगा है थोड़ा, बट ये जो इन लोगों ने अभी मंगाया था ना मुझे वैसा सा खाना है, तो ढूंढना पड़ेगा, शायद ये है वो 350 बात की काकी कोरी ओवरलोड। तो देखो मीठे की भी यार आइसक्रीम के साथ काफ़ी अच्छी ऑप्शंस हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। फ़िलहाल तो नहीं खाऊंगा, फ़िलहाल चलते KFC में फिर देखें। तो यहाँ से देखो ऐसे मॉल से शॉर्टकट लेके दोबारा बाहर आ गया, और मॉल अंदर से तो पूरा एयर कंडीशन रहता है तो अंदर ज़्यादा मज़ा आता है, पता नहीं लगता कि गर्मी कितनी है, बट अगर आप बाहर आएंगे तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। यहाँ पे एक शिप जैसा रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, इसके अंदर कभी कभी जाना अलाउड रहता है, कल शाम को खुला था, मोस्टली तो मैंने बंद ही रखा है बट अभी खुला है। और अभी आ गया मैं बाहर वाले एरिया में, यहाँ पे सारे खाने के आउटलेट्स हैं, एक पूरी लंबी लाइन है जहाँ पे आपको सारे खाने जैसे कि टर्किश, इटालियन, जो भी खाना है सब प्रकार का खाना अवेलेबल था, बट मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ KFC क्योंकि वो थोड़ा सेफ भी रहता है और मतलब टेस्ट के वाइज भी सही रहता है। बाकी ये कॉमन एरिया है जहाँ पे बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, शाम को यहाँ लोग लाइव सिंगिंग वगैरह भी करते रहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी ये बच्चों के लिए चल रहा है, तो फ़ोटो खिंचाओ पैसे दो और ये बच्चों की एक्टिविटी यहाँ पे चलती रहती है, सही है। और बिल्कुल सामने है मैकडोनल्ड्स यार थोड़ा सा महंगा है एज़ कम्पेयर टू KFC, और मतलब टेस्ट भी इतना सही नहीं है, बट KFC आपके लिए बिल्कुल सही रहता है, आपको सस्ते में बढ़िया बहुत सारा खाना मिल जाए। अभी देखो सिर्फ मैं 179 की मील है जो ऑर्डर करने वाला हूँ, और आपको पता लगेगा कितनी बढ़िया डील है जो मुझे मिलती है, क्योंकि उसमें मुझे अच्छा खासा चिकन, फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक भी मिल जाता है। और अगर आप ट्यूसडे को आते हैं
तो ट्यूसडे को तो आपको 10 पीस चिकन मिलता सिर्फ 199 में, तो ये नेक्स्ट लेवल ऑर्डर है। और ऐसे ही आप एंट्री कर जाएंगे अंदर और हम ऑर्डर करते हैं। तो ऐसे ही मैं ऑर्डर करने वाला हूँ। ऑनलाइन 179 का था, बट यहाँ पे इन स्टोर में 200 रुपये का है। तो ये मील है जो मैं ऑर्डर करने वाला हूँ, ठीक है। द बॉक्स ऑल जैप, ठीक है, जैप स्नैक बॉक्स भी है। तो अगर आपको देखो जितने कम से कम पैसे में भी आपको मिल जाएगा, 169 और ये 129 का भी है। तो काफ़ी सही मील्स है जो आपको सस्ती सस्ती यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन ऐसी छोटी मील्स है जो, ठीक है, मैकडॉनल्ड्स में अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे ऑर्डर कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे ऐसे लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। कैश के थ्रू आप यहाँ पे, कैश और कार्ड दोनों सेफ्टेड। अगर आपके पास फॉरेक्स कार्ड है तो फॉरेक्स कार्ड से करा सकते हो, अदरवाइज आपको कैश पे यहाँ पे जो ऑर्डर है वो करना पड़ेगा। तो देखो कोल्ड ड्रिंक मैंने ले लिए, ये कोल्ड ड्रिंक इंक्लूडेड है, काफ़ी बड़ा रहता है, साइज़ काफ़ी बड़ा है। और वो सामने ना मशीन लगी हुई है, तो आपको खाली गिलास दे देते हैं और आपको कोल्ड ड्रिंक तो खुद ही डालनी पड़ती है। बिल दिखाऊं तो आपको ये देखो 199 का बिल बना है। एक बात मुझे वापस कर देते हैं, ऑर्डर नंबर है मेरे 1003 और वेट कर रहा हूँ अभी ऑर्डर आने का। वह देख सकते हो, ठीक है, 200 बात में ये मेरी मील आई है। तो ये देखो ये काफ़ी बड़ा चिकन का पीस रहता है। उसके बाद ये 4 पीस अलग से आए हैं और 2 नगेट्स वगैरह जैसे कह सकते हो, फ्रेंच फ्राइज आए हैं और ये कोल्ड ड्रिंक है। तो एक बंदे के लिए 200 बात की मील है, जो काफ़ी ज़्यादा इनफ है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो है जो मेरी पसंद आई होगी। तो अगर आप भी सोच रहे हैं जाने का इंडिया से थाईलैंड के लिए, तो मेरी ये सीरीज पूरी शुरू से लेकर एंड तक देखना, जिसमें आपको मैंने एक एक डिटेल सारी बहुत ज्यादा चीजों मतलब सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में बताई है कि कैसे आप इंडिया से थाईलैंड जाएंगे, कैसे आपको एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन करनी है, क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज रहती है, फिर आपको वहां से कैसे ट्रेवल करना है, कौन से एरिया में आप होटल्स बुक कर सकते हो, अच्छे बजट होटल अच्छे एरिया में, ठीक है, खाना क्या खाना है, कैसे आप बजट में खाना खा सकते हो, कैसे आपको ट्रेवल्स करने, कैसे अपने टूर पैकेजेस बुक करने, सारी चीजें मैंने अपनी सीरीज में बहुत आप डिटेल में बता रखी। तो इस सीरीज को बिना स्किप करें हर एक एपिसोड को बहुत अच्छे से देखना। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है और आप प्लान कर रहे हैं अपनी इंडिया से थाईलैंड की ट्रिप में, जिसमें आप जाने वाले खुद से, ठीक है, बिना किसी पैकेज वगैरह के, और आपके काफी सारे डाउट्स रहते हैं, अगर आपका पहला इंटरनेशनल ट्रिप है या दूसरा तीसरा भी है और आपको फिर भी कोई डाउट्स है, तो आप यूज कर सकते हैं मेरी पेड कंसल्टेशन सर्विस, ठीक है, जिसमें जिसका चार्ज रहेगा सिर्फ 300 रुपीज। 300 रुपीज में आप मेरे साथ एक मीटिंग सेटअप कर सकते हो, जिसमें आप अपने सारे डाउट है, जो अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रिप जो कि थाईलैंड में रहने वाली है, उसके सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो कि कैसे है जो मतलब आप जाने वाले, क्या इमिग्रेशन का प्रोसेस रहेगा, कैसे आपको पैकिंग करनी है, कैसे आपको फ्लाइट बुक करनी है, कैसे आपको होटल्स बुक करने हैं, कितने दिन के होटल बुक करने पड़ेंगे, कितना कैश ले जाना पड़ेगा, क्या बेटर डील्स रहेंगी, क्या क्या आपको टूर पैकेजेस वहां पे करने चाहिए, कौन कौन सी जगह है जो हम घूम सकते हैं, ऐसे अनगिनत सवालों के जवाब है जो आप मेरी पेड कंसल्टेशन सर्विस में ले सकते हो, जिसमें मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ आपको इंडिया से थाईलैंड टूर के बारे में। तो बाकी आपको आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने अपना सारा टॉपिक है जो अच्छे से क्लियर किया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह है मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आप मुझे कॉन्टेक्ट करना चाहते हो तो ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, ट्रैवल विद बंटी सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो या नीचे कॉमेंट्स कर सकते हो। कॉमेंट्स में मैं आपको, ठीक है, अपना इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन कर दूंगा, जहां पे आप मुझे मैसेज करके अपने सारे डाउट्स वगैरह जो क्लियर कर सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो थाईलैंड जा रहे हैं।